नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए पॉडकास्ट के साथ। इसके कंटेंट राइटर हैं गिरीश बिल्लोरे मुकुल। ब्रेकिंग न्यूज के खूंटी से लटके टीवी चैनल्स। 25 अक्टूबर 2022 को लगभग 1.5 घंटे के लिए व्हाट्सएप सेवाएं बाधित हुईं। हो सकता है कोई तकनीकी कारण रहा हो, परंतु एक मुद्दा तुरंत मिल गया खबरी चैनल्स को। मुझे तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम तक अगर व्हाट्सएप चालू ना हो तो पक्का राष्ट्रीय शोक की घोषणा करने के लिए सारे खबरिया चैनल्स एकजुट ना हो जाएं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के इस्तीफा के बाद से एक दिन पहले तो ऋषि सुनक की खूंटी पर सारे के सारे चैनल्स लटके नजर आ रहे थे कि अचानक व्हाट्सएप की सेवाएं बंद हो गईं। लगभग 1 घंटा 30 मिनट के आसपास खराब एवं अवरुद्ध सेवाओं के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। पैनिक क्रिएशन इतना तेजी से हुआ कि लोग घबरा गए। सभी डरे हुए थे कि कहीं उनका डाटा गायब ना हो जाए। ट्विटर पर मैंने लोगों को सलाह दी कि भैया कुछ घर परिवार के काम कर लो, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स तो मिला। पर कहाँ, लोगों की आत्मा बेहद कुंठित ही हो गई थी। हमारे खबरिया चैनल्स ने एक दृश्य पैनिक क्रिएट कर दिया। एक और व्हाट्सएप चलाने वाली मेटा कंपनी के लोग हड़बड़ा कर सुधारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर खबर रटाऊ रुदाली चैनल्स ने अपने अखंड रुदाली होने के दायित्व को निभाया। मुझे तो लगा कि कहीं अगर रात तक या 1-2 दिन व्हाट्सएप ना चले तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी पड़े। एक टेलीविजन चैनल तो परमाणु बम पटके जा रहा है। रोज वह समाचार बदल बदल कर बताता है कि विश्व परमाणु युद्ध के कगार पर है। आप सबको याद होगा, स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव ने इन चैनल्स के बारे में जबरदस्त कॉमेडी की है। आपको यह भी याद होगा कि एक चैनल की महिला संवाददाता ने किसी महिला IFS अधिकारी के मुंह में माइक लगा दिया और सवाल पूछने लगी। वैसे आपको एक बात मैं ऐसी बता दूं कि यह खबरिया चैनल्स महिलाओं के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। दोपहर में सास बहू देवरानी जेठानी के कार्यक्रम उनके हाइलाइट्स दिखाकर मध्यम वर्गीय महिलाओं को बांधे रहने की ड्यूटी बखूबी निभाते हैं, जबकि शाम को पुरुष अगर समाचार देखना भी चाहे तो उसे सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं मिलता। 4-5 पैनलिस्ट आमंत्रित किए जाते हैं जो वास्तव में खबरिया चैनल्स के लिए एक तरह का प्रोडक्ट होते हैं। उनके मुंह से जो चाहे उगलवाने में माहिर होस्ट गंभीर विषय पर चर्चा करते नजर नहीं आए। शाम की डिबेट देखना पुरुषों के लिए बड़ा घातक तक हो जाता है। कई मित्र कहते हैं कि हमने टीवी देखना छोड़ दिया। स्वाभाविक भी है, लड़ाई झगड़ा देखते रहना किसे पसंद होगा। खबरिया चैनल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे सुव्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत कर संपूर्ण विषयों पर केंद्रित जानकारियां प्रस्तुत करें, परंतु उनके विषय फिक्स होते हैं। किसी खबरिया चैनल्स ने ये नहीं बताया कि केवल रुपया नहीं बल्कि विश्व की सभी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर होती जा रही हैं। अगर किसी ने दिखाया भी होगा तो भारत के वित्त मंत्री के भाषण के बाद, अर्थात कुल मिलाकर महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञता ना होने के कारण खबरिया चैनल्स कटघरे में खड़े हुए हैं। अगर आप गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि सामाजिक मुद्दों को स्पेस ना के बराबर मिलता है। हमारे एक मित्र अक्सर कहते थे, कुत्ते ने आदमी को काटा यह कोई खबर ही नहीं है। आप तो बताओ, किसी आदमी ने कुत्ते को काटा हो तो बढ़िया चटपटी खबर बनेगी। भारतीय मीडिया अब एग्रेसिव मीडिया हो गया है पश्चिमी मीडिया की तरह। हमें अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए ताकि विजुअल जर्नलिज्म खतरनाक स्थिति तक ना पहुंच जाए। देखिए कब तक हम समाचारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते रहेंगे। खास तौर पर खबरीले चैनल्स को अनुशासन पर रहने की जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।